दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर के ऊपर। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल के अंदर, और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ में आए तो मैं आपको टाइप्स ऑफ बताऊंगा ही, और साथ साथ उस मोटर के यूजेस भी बताऊंगा जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे कभी इंटरव्यू के अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर कितने प्रकार की होती है यह पूछा जाता है, तो आपको उनको क्लियरली आंसर देना है कि हमारी मोटर को तीन भागों में बांटा जाता है। ये तीन भाग कौन कौन से है? तो दोस्तों सबसे पहला जो भाग हो गया वो है हमारी एसी मोटर। ठीक है, आप सभी ने सुना है एसी मोटर, जो भी मोटर हमारी एसी करंट से चल रही है वो कहलाएगी हमारी एसी मोटर। इसके बाद में आपको दूसरा भाग बताना है, वो बताना है डीसी मोटर। जो भी मोटर हमारी डीसी सप्लाई से चलेगी वो कहलाएगी हमारी डीसी मोटर। और एक और थर्ड कहलाएगी दोस्तों हमारी स्पेशल मोटर। दोस्तों अगर आप यह आंसर बताओगे तो आपका इंप्रेशन दूसरों से काफी अच्छा बनने वाला है। तो दोस्तों अब जो हमने तीन भाग बताए इसके अंदर आपसे ये भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एसी मोटर कितने प्रकार की होती है, डीसी मोटर या फिर स्पेशल मोटर कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप जान लेते हैं। सबसे पहले एसी मोटर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में यह क्वेश्चन करा जाता है कि एसी मोटर के भागों के नाम बताओ, तो आपको उनको क्लियरली बोलना है कि एसी मोटर हमारी दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है सिंक्रोनस मोटर और एक और कहलाती है एसिंक्रोनस मोटर। और दोस्तों जो हमारी एसिंक्रोनस मोटर होती है इसको हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। और दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली मोटर कौन सी है, तो दोस्तों वही यही मोटर है, इंडक्शन मोटर। और अगर आपको इंटरव्यू में इंप्रेशन अच्छा बनाना है तो आप इंडक्शन मोटर के साथ साथ एसिंक्रोनस मोटर भी बोल सकते हो, क्योंकि इंडक्शन मोटर का जो एक और नाम है वो एसिंक्रोनस मोटर है। अब दोस्तों आपको ये तो क्लियर हो गया कि हमारी एसी मोटर के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस, जिसको हम इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हैं। पर दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगा ताकि आपको याद रहना काफी आसान हो जाए। तो दोस्तों हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है, एसिंक्रोनस मोटर तो आपने कई जगह देखी, पर जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है ये दोस्तों कहाँ उपयोग ली जाती है? तो दोस्तों ये ज्यादा अगर हमारे पावर फैक्टर मेंटेन के लिए उपयोग की जाती है। अब दोस्तों आप ये बोलेंगे कि पावर फैक्टर मेंटेन के लिए हमारी कंपनी में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, पर दोस्तों कैपेसिटर हमारे किया जाता है, पर दोस्तों जहाँ पे बड़े बड़े जो पावर प्लांट होता है, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा रहा है, वहाँ पे हमारे कैपेसिटर बैंक की जगह सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों जहाँ पे हमको कॉन्स्टेंट स्पीड होती है, मतलब हमारी स्पीड में कोई वेरिएशन ना आए, तो वहां पे हमारे सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसी जगह कौन सी है? तो दोस्तों हमारी जो पेपर प्रिंटिंग की मशीन होती है वहां पे हमको काफी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो वहां पे सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों एसिंक्रोनस मोटर जिसको इंडक्शन मोटर बोलते हैं इसका यूजेस कहां होता है? तो दोस्तों इसका यूजेस तो आपने अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा ही देखा होगा। इसमें दोस्तों दो भाग होते हैं, जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों हमारी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और एक और कहलाती है हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो दोनों मोटर होती है इन दोनों को मोटर का नाम जो इसके रोटर के ऊपर ही रखा गया है। जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, ये स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होती है इसका जो रोटर होता है इसमें एक स्लिप रिंग होती है। ये स्लिप रिंग मोटर उस जगह लगाई जाती है जहां पे हमको स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हाई टॉर्क की जरूरत होती है। जैसे आपने देखी हमारी क्रेन जो होती है उस क्रेन के अंदर जो होस्टिंग के लिए, जो हमारा वेट लिफ्टिंग के लिए हमको उठाना या नीचे करना होता है, वहां पे हम अधिकतर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही उपयोग करते हैं। अब दोस्तों एसी मोटर के बाद में हम बात कर लेते हैं डीसी मोटर की। अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों उस समय आपको आंसर देना है हमारी डीसी मोटर को चार भागों में बांटा जाता है। नंबर वन है दोस्तों डीसी शंट मोटर। अब दोस्तों डीसी शंट मोटर कौन सी? हमारी दोस्तों जितनी भी आपको कहीं पर डीसी मोटर मिलेगी ना, उसमें आप ये समझ लीजिए 80% जो चांस होंगे वो डीसी शंट मोटर के ही होंगे, क्योंकि डीसी शंट मोटर सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली मोटर है डीसी में। और दोस्तों ये जो डीसी मोटर है इसका इस्तेमाल आपने कहां पे देखा होगा, तो हमारे डीसी के जो फैन होता है वहां पे हमारी डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने जो लेथ मशीन देखी है उस लेथ मशीन के अंदर भी जो मोटर इस्तेमाल की जाती है डीसी की, वो डीसी शंट मोटर ही कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों डीसी मोटर का सेकंड टाइप जो है वो है डीसी सीरीज मोटर। अभी डीसी सीरीज मोटर कहां पे इस्तेमाल की जाती है? दोस्तों हमारी जो डीसी सीरीज मोटर होती है, इस सीरीज मोटर को आप याद रखेंगे वहां से जहां से हमारे लिफ्टर जो होते हैं, एलिवेटर जो होते हैं, आप मॉल गए तो मॉल के अंदर आपने देखा है एलिवेटर लगे होते हैं जो हमको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। तो दोस्तों वहां पे क्या परमानेंट वेट जुड़ा होता है? तो दोस्तों जहां पे परमानेंट वेट जुड़ा होता है, जहां पे हमारी मोटर पे परमानेंट लोड रहेगा, वहां पे हम डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के अंदर आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जो पुराने रेल के इंजन होते थे उसमें भी हम डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते थे, पर आजकल के इंजन में हमारे एसी इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों डीसी मोटर के थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं, जो कि है कंपाउंड मोटर। जो दोस्तों जो डीसी मोटर के अंदर कंपाउंड मोटर का नाम लिया जाता है, ये सबसे ज्यादा कम उपयोग में लेने वाली डीसी मोटर होती है। आपको ये बहुत ही कम जगह दिखेगी या फिर दिखेगी नहीं। इसके बाद में दोस्तों डीसी मोटर के लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर। तो दोस्तों मैंने चारों पॉइंट आपको बता दिया डीसी मोटर के अंदर, एक दो तीन चार। और दोस्तों डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर का उपयोग कहां किया जाता है? दोस्तों ये जो मोटर होती है इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। तो दोस्तों ये परमानेंट मैग्नेट लगे होने के कारण इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड काफी तेज होती है। तो हमारे जो घरों के अंदर जो बच्चे के लिए टॉय कार लाते हैं उस कार के अंदर हमारी डीसी परमानेंट मैग्नेट होती है। इसके अलावा जो आपने देखे हमारे जो कंप्यूटर के फैन होते हैं, वो कंप्यूटर के फैन कितनी तेज घूमता है, उस फैन के अंदर हमारे डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब इलेक्ट्रिकल मोटर के तीसरे टाइप्स की बात कर लेते हैं, जो कि है स्पेशल मोटर। अब दोस्तों स्पेशल मोटर के अंदर कौन कौन सी मोटर आती है? तो सबसे पहली मोटर है वो है यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग मोटर है। ये जो मोटर है आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है कि हमारी एसी और डीसी
एसी और डीसी सप्लाई से चलने वाली जो मोटर है वो हमारी यूनिवर्सल मोटर है। दोस्तों आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि हमारी ऐसी कौन सी मोटर है जो एसी सप्लाई से भी चलती है और डीसी सप्लाई से भी चलती है, तो आपको वहां पर बताना है यूनिवर्सल मोटर हमारी ऐसी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों से चलती है। इसके बाद में स्पेशल मोटर का जो दूसरा टाइप्स है वो है स्टेपर मोटर। अब ये स्टेपर मोटर कौन सी, तो दोस्तों स्टेपर मोटर का इस्तेमाल उस जगह किया जाता है जहां पे हमारा जो रोटेशन होता है वो रोटेशन फिक्स होता है। रोटेशन फिक्स का मतलब, जैसे दोस्तों आपने देखे है कोई कोई मशीनें ऐसी आती है जो जैसे ये सामान है, इस सामान को उठा के वो इस जगह रख देगी, ठीक है, फिर वापस इस सामान को उठा के इस जगह रख देगी, तो उसका जो रोटेशन है वो रोटेशन फिक्स है, वो यहां से उठाएगी और यहां पे रखेगी। तो ऐसी जगह दोस्तों हमारे स्टेपर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों स्पेशल मोटर जो होती है इसका इस्तेमाल हमारे रोबोट के अंदर भी किया जाता है। दोस्तों स्पेशल मोटर का जो थर्ड पार्ट है वो है सर्वो मोटर। दोस्तों सर्वो मोटर की एक खास बात यह है कि सर्वो मोटर के इस्तेमाल के लिए हमको एक सर्वो वीएफडी भी लगानी पड़ती है। और दोस्तों सर्वो मोटर का इस्तेमाल भी कई जगह किया जाता है जहां पे हमको फिक्स स्पीड चाहिए होती है या फिर हमारा जो रोटेशन है वो रोटेशन बिल्कुल फिक्स ही होता है, बिल्कुल जहां पे हमको एक्यूरेसी चाहिए होती है वहां पे भी हम सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रोबोट होता है रोबोट के अंदर भी सर्वो मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेशल मोटर के अंदर जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों ब्रशलेस डीसी मोटर का, ठीक है। ये ब्रशलेस डीसी मोटर जो आती है ये हमारे स्पेशल मोटर के अंदर आती है। दोस्तों ब्रशलेस डीसी मोटर काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये क्यों फायदेमंद है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो डीसी मोटर होती है डीसी मोटर की हमारी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, पर दोस्तों उसके अंदर हमको नुकसान ये होता है कि हमको उसका मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता है और उसके मेंटेनेंस के अंदर सबसे ज्यादा कार्य किया जाता है वो क्या जाता है, उसके ब्रश को चेंज करना। तो दोस्तों हमारी जो ब्रशलेस डीसी मोटर होती है ये ब्रशलेस डीसी मोटर की एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है क्योंकि इस मोटर के अंदर हमको बार बार ब्रश चेंज करने की प्रॉब्लम नहीं होती है, इस मोटर के अंदर ब्रश नहीं लगे होते हैं। दोस्तों इस मोटर को आप फ्यूचर मोटर भी बोल सकते हो क्योंकि इसकी हाई एफिशिएंसी के चलते इस मोटर का काफी ज्यादा भविष्य में इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स जुड़े सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर कहीं पढ़ाई कर या फिर जॉब कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी सारे आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए, इसके लिए दोस्तों आप गूगल पे जाकर सर्च मारिए engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में भी कंटेंट चाहिए तो वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हो। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।